हो, और ये भी उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको भी आप उसी के कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। देखो एक रॉड है वो फिक्स है यार, ठीक है, ये जो रॉड है वो 30 डिग्री यहाँ पर फिक्स है, हिंज्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट तो मूव करेगा ही नहीं, ठीक है। अब जब वेज 1 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, वेज 1 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इंड बी, ये जो इंड बी है उसकी, ठीक है, स्पीड निकालनी है, इंड बी वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट की जो स्पीड है वो कितनी होगी हमें निकालना है। चलो वेलोसिटी या बोल दो स्पीड बोल दो, ठीक है ना, स्पीड वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी तो टेंजेंशियली होगी, ठीक है। चलो ये ब्लॉक इधर जाएगा, स्लाइड करेगा, तो ये तो मूव नहीं कर सकता, तो यहाँ पर ये इस तरह से, यहाँ से ये इस तरह से ये फॉल करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो वी कुछ इधर होगी बी पॉइंट की, ठीक है। अगर बी पॉइंट की वेलोसिटी इधर होगी तो ये हॉरिजेंटल वाली लाइन हो गया, और ये वर्टिकल वाली लाइन हो गया, और ये हो गया 30, तो ये हो गया 60, ठीक है, ये हो गया 60, तो ये जो है वो टेंजेंशियल है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो ये अगर ये और ये रॉड इसके परपेंडिकुलर है, तो ये 60 हो गया, तो ये 30 हो गया यार, 90, ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो ये 60 हो गया, ठीक है। अब ये अगर 60 हो गया तो वेज इधर मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, तो ये जो 60 है तो इसका जो कंपोनेंट है, एक वेज के अलोंग कर दो और एक वेज के परपेंडिकुलर कर दो, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वी है, जो वी, इस वी का एक कंपोनेंट इधर आएगा वेज के अलोंग, ठीक है, जो होगा वी कॉस 60, और एक वेज के परपेंडिकुलर आएगा जो होगा वी साइन 60, ठीक है। तो ये जो वेज के अलोंग आ रहा है, वेज के अलोंग ये वाला कंपोनेंट वी कॉस 60 बाय कॉन्सेप्ट, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए उससे भी ये हो जाएगा, तो वी कॉस 60 मस्ट बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि वी कॉस 60 मस्ट बी इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि वी इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 60, cos 60 इज इक्वल टू साइन 30 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्पीड से ये फॉल करेगा, ठीक है ना, ये जो स्पीड आई इधर दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ यहाँ भी लगा सकते हो, और बहुत सारी जगह अप्लाई कर सकते हो, डिपेंड करता है कि कहाँ तुम कितना सोच सकते हो।